मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताऊंगा रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। उसके लिए हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक ये हमारा पैन है और एक इसके साथ दूसरी साइड पे हमने थ्रेड की हेल्प से रोलर अटैच किया है, ये रोलर है। हम इन दोनों का वेट फाइंड करते हैं। पहले आप ये देख रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसके ऊपर ये ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको मैंने ऑन कर दिया, प्रेस किया, ये ऑन हो गया। इसके ऊपर रीडिंग देखें, ये ग्राम्स में रीडिंग शो कर रहा है, प्लीज़ आप टीवी पे गौर से देखिएगा, देखें 0.00 ग्राम रीडिंग है। इसके ऊपर हमने अब इसका मैच फाइंड करेंगे दोनों चीज़ों का बारी बारी। जी स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर पैन रखा और पैन का वेट आपको पता है कितना आ गया, इसने 9.80 ग्राम शो कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर रोलर रखा है, प्लीज़ रोलर का मैच देखिए, काफ़ी ज़्यादा उससे, देखो कितना है, ये 78.24 ग्राम है। जी स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसका मैच था 78.24 ग्राम्स। हमने इसको थ्रेड से बांध के दूसरी तरफ ये लाइट चीज़ रख दी है, इसका मैच कितना था, 9.8 ग्राम। तो अब देखते हैं कि ये पुली से पास किया है थ्रेड को, देखिए ये पुली नज़र आ रही है आपको, इस पुली की ऑयलिंग करनी चाहिए, यानी ऑयल किया हो ताकि ये फ्रीली, मैंने ऑयलिंग की है इसकी अभी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं क्या होगा, जैसे इसको ये हम फ्री छोड़ेंगे ना, किसको, ये जो इस तरफ पैन है, तो वो उसको खींच लेगा। प्लीज़ इसको छोड़ना, देखिए जैसे उसको फ्री छोड़ा, इसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। जी आपने ये नोट किया कि इसको उधर से स्मॉल फोर्स लगी है, यानी फोर्स कितनी थी, जितना इस पैन का वेट था, उस थोड़ी सी फोर्स ने इस हैवियर चीज़ को जो है मूव करवा दिया है। इससे क्या पता चला कि ये जो इसके अंदर फ्रिक्शन थी ना, यानी जो चीज़ रोल कर रही होती है उसकी फ्रिक्शन कम होती है, उसका नाम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जी इसी के साथ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने एक प्रैक्टिकल है हमारा फिजिक्स का, जो 3.2 आई थिंक, उसके अंदर हमने करना क्या है कि इस रोलर की स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी है। वो रोलिंग फ्रिक्शन कितनी होगी जब ये जस्ट मूव करना स्टार्ट होगा, इधर वाले वेट के इक्वल होगी, लेकिन इस प्रैक्टिकल, सॉरी इस पैन की हेल्प से हम ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैन तो उसको एक सेकंड में मूव करवा रहा है, ये देखे जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ ये मूव हो जाता है, इसलिए हमें पैन कुछ ऐसा लाना है जिसका वेट इससे कम हो। थोड़े वेट वाला पैन हमने यूज़ करना है, तो उस पैन के लिए हमने एक पेपर पैन तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमने एक ये पेपर का पैन तैयार किया है, उसका मैच भी हमने फाइंड किया है, 1.04 ग्राम्स आया है, प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा। जी देखिए, अब हमने वही पेपर का जो बना हुआ, अब क्या था ये पैन, यस, इसको हमने पुली से पास करके उसी रोलर के साथ अटैच किया है। क्या प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं हमने ऐसा ये पेपर का पैन क्यों यूज़ किया, बोलो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहले जब दूसरा पैन था तो वो इसको मूव कर रहा था, करवा रहा था पहले ही, तो हमने क्योंकि इसकी रोलिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी है, तो इसलिए ऐसा पैन यूज़ करना है जो इसको मूव ना करवाए, तो पेपर पैन हमारा इसमें सक्सेसफुल रहा है। अब हम क्या करेंगे, पेपर पैन के अंदर वेट ऐड करेंगे। ये जैसा कि आप जानते हैं ये वेट बॉक्स है आपका, इसके अंदर डिफरेंट वेट्स हैं, मैं पहले कोशिश करूँगा 1-2 ग्राम्स का इसके अंदर वेट रखूँ। जी ये प्लीज़ 2 ग्राम का वेट पकड़िए आप, यस ये 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम वेट प्लीज़ किस में आप रखेंगे, एक पैन के अंदर रखें, यस। और इसको हमने अब टैप करके देखते हैं, भला मूव करता है, प्लीज़ ये 2 ग्राम इधर वेट रखा और इसको टैप करते हैं, मूव नहीं कर रहा, प्लीज़ आप 2 ग्राम और रखिए। जी स्टूडेंट्स, वेट हमने 4 ग्राम्स कर दिया है, 4 ग्राम्स, और अब देखते हैं इसको टैप करके क्या ये रोलर इसके ऊपर मूव करता है, यस मूव क्यों था, देखें ये इधर से जब टैप किया, ये देखो मूव कर रहा है, वो कर गया मूव, जब ये जस्ट मूव कर गया ना, तो आप नोट करें उधर वेट कितना है पैन में। जी अब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए, देखिए मैस ऑफ पैन है, ये हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था 1.04, ये पेपर का पैन था हमारा, फिर मैस इन पैन, जो पैन के अंदर रखा आपको पता 4 ग्राम्स रखे थे, टोटल मैस कितना बन गया था आपके पास 5.04, इन दोनों को ऐड किया है, देखे ना 4+1.04, तो ये 5.04 बना। हमने फाइंड क्या करना है जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होती है, ये मैस है ना, इसको अब वेट में कन्वर्ट करें, जितना वेट होगा वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, वो हम इधर लिखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए फार्मूला, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने का फार्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट, वेट का फार्मूला होता है एम जी
एम क्या है? मैस, मैस आपको पता है 5.04, ये ग्राम में था। हमने हमने इसको केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो फिर जी की वैल्यू 10 रखी, इस जीरो से जीरो कटा, तो इसको हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया है 0.05404 न्यूटन। इसको हमने ये राउंड ऑफ किया, यानी ये दो डिजिट हमने कैंसिल किए, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05 न्यूटन। तो ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये प्लीज़ आप इस जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दीजिए जी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग है, ये रोलिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन।